डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जब उसकी परीक्षा होती है और हिम्मत के साथ निर्णय करने और दृढ़ता के साथ उसको उपयोग में ले आने पर ही उसका भविष्य निर्भर होता है। भारत के लिए यह ऐसा ही समय है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पहले वर्ष से ही हम बड़े कठिन और नाजुक समय से गुजर रहे हैं। आज से कुछ महीने पहले जब मैंने इस पद का भार संभाला था तो मुझे पता था कि हमारे सामने कितनी भारी कठिनाइयाँ हैं और सूखे तथा अभाव के इन महीनों को पार करने के लिए और अर्थव्यवस्था को पुनः गतिशील बनाने के लिए कितने बड़े प्रयत्न और त्याग की जरूरत पड़ेगी। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम असफल नहीं हुए और केवल बुजदिल ही ऐसा कहेंगे कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। विकास के कार्यों को हम इस स्तर पर ले आए हैं जहां और अधिक उपलब्धि तथा लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। शक्ति के इस विशाल भंडार का हमें पूरा पूरा उपभोग करना है। फिर भी सब कुछ ठीक नहीं है। युद्ध और सूखे के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई उनसे आर्थिक विकास में अस्थायी रुकावट आ गई है। आर्थिक विकास करीब करीब रुक ही गया है। अभाव भी है। विदेशी मुद्रा की आमदनी में कमी के कारण कारखानों की पैदावार पर बहुत असर पड़ा और मजदूरों की छटनी होने लगी। छोटे उद्योगों को विशेष धक्का लगा। निर्यात एक सीमा पर आकर रुक गए। कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। निराशा और अनिश्चय फैलने लगा। सबसे बढ़कर जनता कष्ट में है। स्थिति पर काबू पाने के लिए हमने कई कदम उठाए, परंतु ये प्रारंभिक कदम अधिक कारगर न हुए। इसलिए आर्थिक बीमारी को दूर करने के लिए कड़वी दवाई का इस्तेमाल आवश्यक हो गया। अवमूल्यन कोई जादू की छड़ी नहीं है, किंतु यह हमारी अर्थव्यवस्था में आई हुई कुछ गड़बड़ियों को शीघ्रता से सुधार सकता है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ता हुआ अंतर एक ऐसी ही चीज थी। इसका महत्व और उद्देश्य यह है कि हमारे निर्यात अधिक लाभप्रद हों और जिन वस्तुओं का हम आयात करते हैं उनका स्थान स्वदेशी वस्तु ले सकें। इस तरह सरकारी और निजी क्षेत्रकों में पूंजी लगाने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बन सकेगा।
इससे देश की कारीगरी और आविष्कार की प्रतिभा को भी बढ़ावा मिलेगा। स्टॉप।